इस वीडियो में हम प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में कुछ सीखेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट सोर्स की जाती है, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और सप्लायर्स के साथ डील कैसे किया जाता है, कुछ टेम्पलेट उनके गो थ्रू जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग अ प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट हम ढूंढ लेते हैं। लास्ट हमने जो प्रोडक्ट देखी थी उसमें प्रोबेबली हेयर ड्रेसर सीजर, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स, हेयर ड्रेसर सीजर्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस वन, हेयर हेयर ड्रेसिंग सीजर्स। और अगर इस प्रोडक्ट को हम अलीबाबा से सोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट वी नीड टू ऑब्वियसली वी नीड टू फिगर आउट कि हम किस प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। हमें वो चीज़ निकालनी, प्राइसिंग निकालनी होगी। तो प्राइसिंग निकालने के लिए लेट्स हैव अ बी लुक ऑन इट। ओके, सो पीपल आर सेलिंग फॉर 1498, 1199, 570, 1495, 99 एंड 10, 10, 10, 17, 15, 9, 17. So you can see the trend, 10 and then 15, 16, and then there's one is 19, this one here, and this is doing really, really good for some reason. And so probably yahi price. Let's just check another product, because ye product jo hai wo probably hum zyada achhi source kar sakte hain Sialkot se, kyunki ye local bhi product mil jati hai. So let's just have a look on another product, magnetic. Oh, so let's have a look on this one, because ye definitely it's very hard to source from Pakistan. So इसकी प्राइसिंग चेक करते हैं। सो पीपल आर सेलिंग इट फॉर 1523, 25, ये दिस सीम्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, 1899, 299, ओके, 1299, 258, 1499. सो काफी एक बिग ऑब्वियसली गैप है प्राइसिंग के अंदर। सो लेट्स रन अ जंगल स्काउट। सो प्रोबेबली 24, 26, 18, 12, 18. सो हाउ पीपल आर ट्राइंग प्राइस वाइज 15, 21, दैट्स नो बार। Yeah, probably we can sell on something like 1599 or something like that. इस प्राइस पे हम बेच सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए इसी प्रोडक्ट को ले लेते हैं और इसके ऊपर हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं। नाउ 10% सेलिंग फॉर, इसके रिव्यूज भी अच्छे नहीं, इमेजेस आर रियली रियली बैड आई वुड से, इमेजेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रिव्यूज भी अच्छे नहीं, रेटिंग भी अच्छी नहीं। सो काफी रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे। और अब अपनी हम अलीबाबा पे चलते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक बॉल, सो this one, this is the person we decided to follow, not to follow, but just to get the pricing idea. Okay, so let's have another look. So I can see लोग यहाँ पे 216 pieces, 216 pieces और 5 mm, 216 pieces, 5 mm,
That's 1 mm, so that's why it's very cheap. This one is really obviously, the packaging is really weird. Or 4 to 5 mm, 5 mm, 200. I guess ye ek cube ki shakal mein hai, so that's why every single person is selling 216 pieces. Or 5 mm ek standard size hai, so yehi cheez shayad market mein chal rahi hai. Or isi ke mutabak, this seems really good. 70, 99, 25 review, 216 pieces, 5 mm, same. So probably we can sell on a higher price. Hum ek mehengi price pe bech sakte hain, lekin calculation ke liye hum thodi si kam price hi lenge, taaki hamari calculation mein agar hame price future mein kam bhi karna pad jaye to hamari calculation jo hai wo humne is tarah ki ho ke price kam bhi karna pad jaye to hamare paas gunjayish honi chahiye. So yeah, this example is good ke hum is price pe sell karenge. और हम ऐसी प्रोडक्ट लेंगे जो स्लाइटली मुख्तलिफ भी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ इन अ सेंस डिफरेंशिएशन, किसी भी सेंस के अंदर, पैकेजिंग के अंदर कुछ उसमें समथिंग हम इनोवेटिव लेकर आ, कुछ क्रिएटिव ला सकें. आई डोंट नो समथिंग मे बी दिस सेम्स okay, that's a really nice packaging. So tamam tar packaging jo hai wo is tarah ke box mein hai, or this is something a different packaging, or it's iska size bhi thoda sa jo hai wo I would say agar UK ke liye hai to UK mein jo large letter hota hai so ye usme bhi ja sakti hai, aur postage pe पैसे भी सेव किए जा सकते हैं. सो इट्स रियली नाइस आइडिया और ये बड़ा अच्छा है. सो प्रोबेबली यस ये चीज, इसको कांटेक्ट इस सप्लायर से किया जा सकता है और बाकी सप्लायर से भी किया जा सकता है. ऑब्वियसली आई ऑलवेज से कि आप कभी भी अपने किसी भी एक सप्लायर से कांटेक्ट ना करें. हमेशा जब भी आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो एटलीस्ट कोई 8-10 सप्लायर से कांटेक्ट करें, उनसे डिफरेंट प्राइसेस लें. इट्स अ बिग मिस्टेक जब लोग जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं और जाके एक या दो सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं और बस उनको लगता है कि अब तो हमें 15 दिन हो गए हम इनसे बात कर रहे हैं, अब चूंकि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है तो चलें इनसे ही बाय कर लें. सो इट्स अ रियली रियली अ बिग मिस्टेक. So, आपने स्टार्ट से ही मल्टीपल सप्लायर्स को कॉन्टेक्ट करना है. आपने स्टार्ट से ही मुख्तलिफ सप्लायर्स को जब कॉन्टेक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपका वर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक अच्छी निगोशिएशन कर पाएंगे. और उसके साथ एक और बिग मिस्टेक वो ये होती है कि आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट ना करें. जब आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते तो आप किसी सप्लायर से जब डील कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजिकली आप उसके साथ आपके कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आपका दिल चाह रहा होता है कि नहीं मैं इसी से ही ले लूं, अब मैंने इतनी मेहनत की है तो ले लूं, थोड़ा सा फर्क है तो कोई नहीं ले लूं. सो इस किस्म की चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सो दो चीजों का आपने इंतहाई ख्याल रखना है. नंबर वन, आपने हमेशा अपनी प्राइस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है पहले, बिफोर आप किसी भी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करें अपनी कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है. और सेकेंडली आपने आपने मल्टीपल सप्लायर से कांटेक्ट करना है. यही वजह है कि अभी हम अपनी प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे कि किस प्राइस पे हमने बेचनी है. उसका रीजन ये था कि हमें जब प्राइस मालूम हो जाएगी उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग निकालेंगे और फिर जाके अपने सप्लायर से राबता करेंगे. सो और ऑलवेज मैं ऑलवेज ये कहता हूँ कि आप अपनी प्रोडक्ट जो आप बेचना चाह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लेकर आए, कोई डिफरेंशिएशन होनी चाहिए. सो इन दिस केस अपार्ट फ्रॉम द पैकेजिंग आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग के इसमें कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कुछ डिफरेंशिएशन ला सकते हैं हम इसमें. अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन मुझे एक चीज यहाँ पे नजर आई और जो कि मुझे बहुत अट्रैक्ट की, एंड दैट्स के ये इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, इसका कुछ चीजें बनाई हैं. तो प्रोबेबली हम जैसे लेगो का कॉन्सेप्ट है,
लेगो में जब आप लेगो बाय करते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो उसको जब बाय करते हैं उसके साथ एक बुक होती है। बुक के अंदर उसमें वो चीजें जो पॉसिबल चीजें बन सकती हैं उनकी मे बी उनकी इंस्ट्रक्शंस या उनकी पिक्चर्स होती हैं या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो प्रोबेबली दिस वुड बी अ रियली रियली गुड आइडिया कि हम एक इस तरह का कोई पंफलेट टाइप चीज, कोई बुकलेट छोटी सी जिसमें मुख्तलिफ शेप्स बनी हो, मुख्तलिफ तरह के फिगर्स, कोई कोई करेक्टर्स या कुछ चीजें बनी हो जो पॉसिबल है इससे बनाना, तो उसको अगर हम ऐड करें तो हम उसको एक प्रीमियम प्राइस पे बेच सकते हैं इजीली। सो आई वुड से कि हम इसको इजीली प्रीमियम प्राइस पे जा सकते हैं, 20+ जा सकते हैं, लेकिन अपनी प्राइस कैलकुलेट करने के लिए लेट्स जस्ट हैव अ मिनिमलिस्टिक प्राइस, द बॉटम प्राइस। सो इस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट प्राइस अपनी कॉस्ट कैसे करनी है, कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है। सो से फॉर एग्जांपल हम इस प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, और ये प्रोडक्ट हमें जो हम यहाँ से मिल रही है अलीबाबा से, उसका रफ एस्टिमेट हम देख लेते हैं, 5 mm है और हमें पता है 216 पीसीज हैं। सो दिस पर्सन इज गिविंग फॉर 681 एंड 864। लेकिन ये सिर्फ एक एक अंदाजा होता है एक बात को स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज इसके पीसेस मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बहुत कम है, तो ये सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बात होता है, अदरवाइज ये फाइनल प्राइसेस नहीं होती। लुक एट दिस दिस प्राइस, $2 और $7 के दरमियान। सो ये एक अंदाजा होता है कि आप उनके साथ निगोशिएट ओपन करें, उनके साथ कम्युनिकेशन ओपन करें ताकि वो फर्दर डील करें। सिर्फ आइडिया लेने के लिए ये चीजें होती हैं, अदरवाइज उनके उनसे से बात करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। इसमें एक और चीज का ख्याल रखना है आपने, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने यहाँ से ये चीज देखनी है कि जो सप्लायर जिसको आप देख रहे हैं उसके पास क्या ये बैजेस हैं, ट्रेड एश्योरेंस का बैज, गोल्ड सप्लायर का बैज, और आप यहाँ से फिल्टर भी इनको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सप्लायर आपका वेरीफाइड सप्लायर हो तो आप इनको फिल्टर कर सकते हैं, और बेहतर होता है कि आप किसी अच्छे सप्लायर से लें, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ पे भी सम टाइम ऐसे सेलर मिल जाते हैं आपको जो आपके साथ आपको एक अच्छी प्रोडक्ट में भी नहीं दे सकते, या आपको अपना ऑर्डर लेने के लिए एक सस्ती प्रोडक्ट सस्ती प्राइस में दे देंगे, और बाद में उसका फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। सो इस वजह से आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ जो वेरीफाइड सप्लायर हैं, जो गोल्ड सप्लायर हैं, सिर्फ उनसे बाय करें, और सेलर की हिस्ट्री, अपने सप्लायर की हिस्ट्री लास्ट में चेक कर लीजिएगा। आप सप्लायर की हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड है, उसका रिस्पॉन्स रेट, कितने ट्रांजेक्शन हैं, ये सारी चीजें आप साइट से चेक कर सकते हैं। ओके, सो एज आई मेंशन्ड हम मुख्तलिफ 8-10 सप्लायर से एटलीस्ट बात करेंगे। सो कॉस्ट निकालने के लिए, रफ कॉस्ट निकालने के लिए आई वुड गो बैक हियर एंड से फॉर एग्जांपल वी वर हैविंग अ $3 मे बी, ये सो ऊपर हमें $2 में भी मिल रही थी। आई हैव नो आइडिया उनकी कि उनकी क्वालिटी कैसी है, $2 वाले तो शायद वैसे ही यहाँ से चले गए। सो प्रोबेबली $3, 216 पीसेस, ये $2, 3 mm, सो कैन सी 3 mm, 5 mm, 8 mm, सो प्रोबेबली ये 3 mm की वजह से ये प्राइस इतनी कम है। सो ये चीज आपने लाजमी इन सारी चीजों पे गौर करना है, आपकी अटेंशन टू डिटेल इंतहाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये स्किल जो अटेंशन टू डिटेल वाली आपकी स्किल है, ये एबिलिटी है, ये इंतहाई आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जब आप सोर्सिंग कर रहे हो। इनफैक्ट ये हर जगह आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, अमेजन के बिजनेस में जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तब आपकी अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, जब प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो तो अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए, लिस्टिंग करते वक्त, लॉन्चिंग करते वक्त। सो ये स्किल आपको चाहिए ही चाहिए अमेजन के बिजनेस में। तो यहाँ पे जो मुझे फिगर नजर आ रहे हैं वो रीजनेबल से 430 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है। सो अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ 430 को पाउंड में, तो लेट मी चेक द एक्सचेंज। सो प्रोबेबली 430 ये है हमारा, 350, सो से 350,
और हमारा 350 में अगर सोर्स करते हैं और ये प्रोडक्ट है तो हमारा एक रीजनेबल यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। हमने अभी इसमें शिपिंग ऐड करनी है और ये चीजें भी कैलकुलेट करनी है, और अगर इसमें शिपिंग ऐड करें तो आई वुड से 350, आई वुड से मे बी आई डोंट नो मे बी 5 आई वुड से। सो इट्स स्टिल अ रियली गुड प्रॉफिट मार्जिन। और जब इनसे कांटेक्ट करना है ऑब्वियसली इसमें फिर चंद एक चीजें और आ जाएंगी क्योंकि अभी इसमें पैकेजिंग नहीं है। जब हम पैकेजिंग की बात करेंगे तो प्रॉबली हमें रेट डिफरेंट मिले। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सो यहाँ से हमने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर शिपिंग के साथ हमें 5 में पड़े तो एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, और हमारा मिनिमम मिनिमम जो प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए वो अब से 25 या 30% तक का होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट मेक प्रोबब्ली प्रोबब्ली 6, सो इट्स स्टिल मेक 6.50। सो ये अब से कि हमारी जो यहाँ पे कॉस्टिंग होनी चाहिए वो कुछ इस तरह होनी चाहिए, वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि हमें जो मैक्स प्राइस है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जो मैक्स कॉस्ट है, मैक्स कॉस्ट वो हमारी प्रोबब्ली 650 होनी चाहिए, और जो हमने स्टार्ट पे कैलकुलेट की थी वो थी 350, विच इज वेरी गुड। 350, और उसमें हमने ऐड किया था 5 कर लिया था उसको। अगर हम 5 करते हैं तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 39 पे आ जाता है, विच इज हमारी जो कि प्राइस होगी उससे हमारी आइडियल प्राइस होगी 3 5, दैट वुड बी आवर आइडियल। और प्रोबली जहाँ पे हम और आई वुड से इनफैक्ट आई वुड से 4.5, सो ये वाली प्राइस हमारी होनी चाहिए इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और अगर हम इसको 550 करें तो 35 प्रॉफिट मार्जिन। सो ये हमारी मिड प्राइस होनी चाहिए। हमारी मिड प्राइस जो है वो होनी चाहिए 550। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो प्राइसिंग होनी कॉस्ट होनी चाहिए हमारी वो कुछ इस तरह होनी चाहिए कि आइडियल हमने कोशिश करनी है जो हमारी वो हमें 450 में मिल जाए लैंडिंग कॉस्ट, और मिड में जहाँ पे हम स्टिल हैप्पी होंगे वो 550 की मिले, और अगर बहुत ज्यादा भी हमें मिल रही है तो 650 से वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी फाइनल होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ कॉस्ट के 3 फिगर्स आ गए। अगर इससे भी हमें किसी जगह से कम मिलती है तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हम वो कम वाली प्राइस को ले लेंगे। ऑब्वियसली अगर इससे भी कम मिले तो दैट्स रियली गुड, बट अगर नहीं तो कोशिश हमने इस प्राइस की करनी है अपनी आइडियल की, नहीं तो ये मिड वाली को फोकस करना है। और फाइनल रियली रियली अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा और सप्लायर भी बहुत अच्छा है और प्राइस उसकी ज्यादा है तो ये हमारी फाइनल प्राइस होनी चाहिए। ये चीज इंतहाई इम्पोर्टेंट है जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, और जब हम सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे हमें पता होगा कि हमारी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसके मुताबिक हम उनसे डील करेंगे। अगर हमारा सप्लायर हमें कहेगा 630 तो हम फौरन से वहां मान नहीं जाएंगे कि 650 पे भी हमारा प्रॉफिट मार्जिन था तो ये तो 630 दे रहा है, वाओ दैट्स अमेजिंग प्राइस, सो लेट्स जस्ट बाय फ्रॉम दिस सप्लायर। सो ये बहुत गलत स्ट्रेटजी होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सप्लायर के साथ अब कांटेक्ट कैसे किया जाए। तो सप्लायर के साथ कांटेक्ट करने के लिए सिंपली जो सप्लायर आपको पसंद आया उसको आपने सेलेक्ट करना है, और से फॉर एग्जांपल इसमें से कोई 8-10 सप्लायर आप सेलेक्ट कर लें, उसको ओपन करें, और उसके बाद उनके साथ
यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर आएगा, यहाँ पे क्लिक करें और उनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जब आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर लें तो फिर आपने किस तरह उनके साथ डील करना है, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। अच्छा, आप टेम्पलेट्स पे देख लेते हैं। ये टेम्पलेट्स जो हम यूज कर सकते हैं अपने सप्लायर से कॉन्टेक्ट करने के लिए, जब उसे कॉन्टेक्ट करना है तो पहला जो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं, मेक श्योर आप इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लें। बाज जगह इसकी वर्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक हाई लेवल पे चली जाती है, सो आपने उसको जरा थोड़ा सा ट्यून डाउन करके अपने मुताबिक बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन इसमें इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन योर ब्ला ब्ला प्रोडक्ट, आई एम लुकिंग फॉर अ टेस्ट ऑर्डर ऑफ 200 यूनिट, if they are received well by the market, I will make a larger order with the imposed logo and custom packaging. अगर आप स्टार्ट पे कस्टम पैकेजिंग नहीं लेना चाह रहे, आप ये कह रहे हैं उसको कि मैं एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा और उस अगर मुझे पसंद आ गया तो उसके बाद मैं आपके साथ एक बड़ा ऑर्डर पे करूंगा कस्टम पैकेजिंग के साथ। फॉर दिस टेस्ट ऑर्डर आई जस्ट नीड ईच यूनिट टू बी प्लेस्ड, मुझे एक जेनेरिक बॉक्स में आप बेशक डाल दें, उसमें कस्टम ऑब्वियसली पैकेजिंग नहीं चाहिए। अगर आपका जो है हमें प्रोडक्ट पसंद आई तो फिर हम एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करेंगे, नीचे अपना आपने डिटेल दे देनी है। और जब ऑर्डर उसका आप जब उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसका रिप्लाई आ जाए तो फिर सेकेंड ईमेल आपने कहनी है, अनफॉर्चुनेटली कंपेयर टू सेवरल आई डू लाइक योर प्रोडक्ट बट अनफॉर्चुनेटली when I compared with several other quotes which we have received, our board of director must reject your pricing. So like for example, board of directors may be too big a word, so rather saying board of director, you can probably say our manager our manager must reject your pricing, however I might be able to get you blah 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 per unit for 200 units. आपने अपने उत्तर यहाँ पे प्राइस बता देनी है। Since there is no custom box or other customization needed, you can just use existing stock. उसको कहना है, हम ये कह रहे हैं कि हम since हमारा custom box नहीं है, हमें कुछ custom box नहीं चाहिए, तो आप अपना existing stock ही इस्तेमाल कर सकते हैं। So इस तरह, also your shipping fee is too high, we usually pay blah blah blah, हम इतनी pay करते हैं, आपकी shipping fees भी लगाइए। Let me know as soon as possible. Your answer, our board of director या my manager is making a final decision within 1-2 days. I would love to work with you. So उसको एक हमने दे दिया, time bound कर दिया कि 1-2 दिन है हमारे पास, जल्दी से हमें बता दो वरना हम buy नहीं कर रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेल, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे, जब उसका रिप्लाई आ जाए तो ये जरूरी नहीं आप यही सीक्वेंस के साथ चलें, यू कैन ऑब्वियसली यू कैन हैव योर ओन सीक्वेंस एंड यू कैन डील ऑब्वियसली इन योर ओन वे, अगर आपके पास कोई वे है। दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन टेम्पलेट, राइट। सो आई प्रेजेंटेड योर प्राइस टू आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, unfortunately they turned it down compared to many other prices we have received, yours is too expensive for 200 units. So is tarah ki wording aap use kar sakte hain, again board of director ki jagah manager kar lijiyega, thoda sa tune down ho jayegi uski, thodi soft ho jayegi. We need the price to be under this unit, otherwise we cannot use your company. So yahan pe humne wo jo pricing calculate kiya apni wo bata deni hai. I wish to remind you that this is a small initial order. If it sells well, we place large reorder with custom box. We only need generic box or sealed OP bag with a 1-inch by 2-inch blah blah blah. जो भी है packaging आपके product के हिसाब से वो करते हैं। We are a repeat buyer. यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं कि हम repeat buyer हैं। हम larger volume में buy करेंगे। So once हम happy हो गए manufacturer के साथ, so हम एक big order place करेंगे। फिर final उसको कहना thank you for your reply. I spoke to our manager. The highest price we can go as blah blah blah. यहाँ पे अगर वो नहीं मानता तो उसको अपनी फिर mid range वाली price यहाँ पे बता देनी है। If you can accept this, we will try your company. If not, unfortunately, we will need to course with someone less expensive. Please let me know immediately as
will be making a decision within next 24 hours. We are repeat buyer, फिर उसको वो same चीज remind करवा रहे हैं. Okay, thank you for your जब उसका reply आया, thank you for your price quote. Unfortunately, we are unable to place an order at this time because the price per unit is too expensive. That is too bad because I like your product. उसको कह रहे हैं ये बड़ी बुरी बात है, मैंने आपकी product मुझे पसंद थी, लेकिन हमारे manager ने expensive होने की वजह से उसको reject कर दिया है. So we had hoped to do business with your company. Should circumstances changes in the next 24 hours, please get back to me immediately. Otherwise, we plan to go with different supplier. So इस तरह की आप mail कर सकते हैं. Okay, I guess कि आपको अंदाजा हो गया है कि किस तरह चल रहे हैं. फिर यहाँ पे ये एक ईमेल का टेम्पलेट है जहाँ हम उसको कह रहे हैं, से फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज लाइक से 500 यूनिट्स एंड यू वांट टू ऑर्डर 200 यूनिट्स, और मे बी अगर कोई छोटी प्रोडक्ट है तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. रिमेंबर हमने उसको ये कहा है कि कस्टम पैकेजिंग नहीं हमें चाहिए, ये टेस्ट ऑर्डर है 200 का. अगर कस्टम पैकेजिंग होगी तो फिर 200 यूनिट इज टू लो फॉर कस्टम पैकेजिंग फॉर स्पेशली दिस मैग्नेटिक बॉल. सो रिमेंबर दिस. सो से फॉर एग्जाम्पल हम अगर रियल ऑर्डर उसके साथ प्लेस करना चाह रहे हैं, हमने ये टेस्ट वाला नहीं करना, तो हम ये टेस्ट वाला पार्ट खत्म कर देंगे और रियल ऑर्डर कहेंगे कि स्टार्ट पे हम इतना ऑर्डर करेंगे और फिर चेक करेंगे कि आपकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एंड देन विल प्लेस अनदर ऑर्डर विद ऑब्वियसली लार्जर क्वांटिटी. सो यहाँ पे अगर वो बहुत ज्यादा से वो कह रहा है जी अगर आपको अच्छी प्राइस चाहिए तो 2000 पीसेज आपको मुझसे बाय करने पड़ेंगे या 1500 बाय करने पड़ेंगे, then you can say that unfortunately we cannot accept your MOQ minimum order quantity for our first order. So इस तरह आप उसको लेकर चल सकते हैं यहाँ पे. फिर shipping का आपने कहना है कि too high है, shipping की आप rate बिल्कुल ही अच्छा नहीं दे रहे, तो इस तरह करके उसके साथ shipping के ऊपर भी negotiate करना है. And then फिर आपने उसके उससे request करनी है sample की. Our manager has asked to see a sample of product as fast as possible. Can you ship by air express sample of product to our office here? अपना जो भी address है वो यहाँ पे दे दीजिएगा. और इसी तरह चलते जाएं और नीचे templates हैं जो कि मैं scroll down कर रहा हूँ और आप यहाँ से templates देख सकते हैं. यहाँ पे हम उससे catalog request कर रहे हैं कि आपके पास जो आपकी company की catalog है वो हमें भेज दें. फर्ज करें मुझे मैग्नेटिक बॉल मिले हैं, अब इस कंपनी के कैटलॉग में मंगवा लूं, प्रोबेबली उनकी कैटलॉग में मुझे कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आए, एक अच्छी ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी इन हो रही है. सो मुझे वहां से कोई आइडिया मिल सकता है. सो दैट्स व्हाई इट्स रियली नाइस टू हैव कैटलॉग फ्रॉम सप्लायर. सो ये भी आप कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट द सप्लायर. Right, okay. I'm inquiring about the progress of the blah blah blah. We ordered back on blah blah blah. We need to make sure this inventory arrives on time. I want you to make sure you will still meet the estimated deadline. So यहाँ पे basically progress के बारे में उससे बात कर रहे हैं. So further inspection की email आ जाएगी फिर हमारी. So इंस्पेक्शन में वी नीड टू शेड्यूल एन इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स. उसको ये कह रहे हैं कि हमने इंस्पेक्शन करवानी है. वो इसलिए हम कहेंगे ताकि उसको पता हो कि अच्छा ये बंदा तो इंस्पेक्शन भी करवाएगा. सो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाएगा. इफ गुड्स आर फाउंड दैट नीड टू बी रिप्लेस्ड और फिक्स्ड, वी विल नोटिफाई यू सो दैट यू कैन फिक्स द बैड यूनिट्स. सो हम उनको उसको वहीं पे कह रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन करवाएंगे, अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उनको या फिक्स करवाएंगे और या रिप्लेस करवाएंगे बैड यूनिट. वी कैन नॉट एक्सेप्ट डैमेज्ड इंफीरियर यूनिट बिकॉज पुअर क्वालिटी इज अनएक्सेप्टेबल. सो वी विल नोटिफाई यू द रिजल्ट्स ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट वंस वी हैव रिसीव्ड इट फ्रॉम आवर इंस्पेक्टर. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू. रिगार्ड्स. तो ये टेम्पलेट्स हैं, आप इनको जरूरी नहीं है एज इट इज यूज करना है. इनफैक्ट मैं भी एज इट इज यूज नहीं करता. और ये जो टेम्पलेट्स हैं, राइट, ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ आइडिया से ये लिए गए हैं और ये डीजी मास्टर्स ने खुद ये डेवलप नहीं किए. इनफैक्ट मुख्तलिफ जगह से आइडियाज लेके और इनको कंपाइल किया है. सो जस्ट सो यू नो,
कि ये जो लैंग्वेज यूज की गई है, जो इतने बास जगह पे नैग दस प्रायर इस तरह की टर्म्स यूज की गई हैं, ये बेसिकली टेम्पलेट्स जो बनाए गए थे ये गोरों को मद्देनजर रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, हम थोड़े से देसी लोग जो हैं, देसी मे बी प्रोबेबली स्लाइटली हैव अ मोर लीनियंट टच इन 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 दोस वर्डिंग्स, यू नो, जैसा कि मैंने कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, और हमारा वे ऑफ डीलिंग स्लाइटली बाज दफा मुख्तलिफ होता है, और बाज दफा हम उनको इस तरह की मेल भेजेंगे और बाद में कुछ मेल्स ऐसी आएंगी जिसका हमें खुद से आंसर बनाना पड़ेगा और हमारी इंग्लिश इस लेवल की नहीं होगी, तो उनको साफ पता चल जाएगा कि ये टेम्पलेट यूज हो रहे हैं यहाँ पे। सो इन तमाम चीजों का आपने खुद ख्याल रखना है। आपको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए ये मैंने सारे टेम्पलेट्स दिखा दिए। ठीक है,